नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। ईश्वर है या नहीं इस विषय पर आज भी तर्क वितर्क होते रहते हैं। जो मानते हैं कि ईश्वर है उनके लिए उनका निराकार रूप भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि ईश्वर का साकार रूप। इसलिए ईश्वर को हर हाल में मानने वालों का अस्तित्व, उन्हें न मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। ऐसे कुछ आस्तिक भक्तों का मत है कि जब हम कभी विपदा में होते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करता है। पुराणों में भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सी कहानियां आज भी लोकप्रिय है। ऐसी ही कहानी आज हम आपको बता रहे हैं जिसके द्वारा आपको भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट है पता चलेगा। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान। यात्रा काफी लंबी और कठिन थी जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ियों की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की। वृंदावन पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध व्यक्ति जिद करने लगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि मैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप बहुत अमीर हो, मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह समक्ष हो रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारे बात एक घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष ने पत्नी से कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को यह चिंता थी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया, उसने उस पुरुष को उसका वचन याद करवाया। वो युद्ध पुरुष मौन रहा, उसे डर था कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे करवाता है तो उसकी पत्नी जान दे देगी, और वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर न दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे इसका दिया वो वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कह के घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिए गए वचन याद करवाया। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने श्री विग्रह के सामने दिए थे। जब वृद्ध व्यक्ति को ज्येष्ठ पुत्र जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम चाहते हो, कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यह साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। और भगवान श्री कृष्ण में पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एक मात्र मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक से एक शर्त रखी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलट के नहीं देखोगे, तुम सिर्फ मेरे ध्वनि से जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली, वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वहीं स्थिर खड़ी थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करने लगा। देखा कि भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और उसके बाद उस ब्राह्मण की शादी उसकी पुत्री से हो गई।